हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आगम जैन, आप सबका फ्रेंड। हमारे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। तो जैसे हमारे चैनल में बेसिक टू एडवांस का वादा हम करते हैं, तो आ गए हैं एक और बेसिक कॉन्सेप्ट लेके जो शायद आपको नहीं पता हो। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत। बात करने वाले हैं RTGS NEFT वर्सेस चेक की। तो RTGS और NEFT क्या होता है? तो RTGS और NEFT, और पहले तो RTGS का हम फुल फॉर्म जान लेते हैं, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो जैसे आपको फुल फॉर्म से कुछ कुछ समझ आ गया होगा, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, जब भी हमें किसी पार्टी को पैसे देने हों या फिर अर्जेंटली पैसे पे करने हों, तो हम RTGS का यूज़ करते हैं। पर RTGS 2 लाख के ऊपर के अमाउंट का होता है, और NEFT यही है, पर ये 2 लाख से नीचे के अमाउंट का होता है। और जो RTGS होता है वो बैंक से भी हो जाता है, फ़ोन से भी हो जाता है। जैसे पहले तो डिजिटली कुछ नहीं था, तो पहले बैंक से RTGS होता था, पर आजकल डिजिटली होने लगा है। RTGS तुरंत बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र करता है पेमेंट को। पर अगर हम चेक की बात करें, तो अगर हमें किसी पार्टी को पैसे देने हों और हमने उसे चेक इशू कर दिया, तो चेक को प्रोसेस होने में 1 दिन लग जाएगा। और उसको अगर किसी भी काम के लिए पैसे चाहिए अर्जेंट, तो वो विड्रॉ नहीं कर पाएगा। इसलिए हम यूज़ करते हैं RTGS NEFT का। NEFT इसकी मतलब ऐसे समझ सकते हैं, छोटी सी ब्रांच है। तो NEFT जो है वो 2 लाख से नीचे का होता है, और RTGS 2 लाख से ऊपर के अमाउंट का होता है। और चेक हम इजीली नहीं देते हैं, क्योंकि चेक में प्रोसेस होने में टाइम लग जाएगा। अब बात करते हैं एक और, कि चेक के बारे में एक और फंक्शन जानते हैं। तो चेक इस तरीके का होता है, हम बैंक में जाके उसे डिपॉजिट कर देते हैं। पर अगर हमें हमारे बैंक से खुद के लिए पैसे चाहिए, और हम सेल्फ लिख दें चेक पे और इस तरीके की 2 लाइन खींच दें, और हम बैंक में जाके वो डिपॉजिट करें, और ये जो 2 लाइन है चेक के ऊपर की, ये शो करता है कि जो भी व्यक्ति पैसा लेने आया है, मतलब चेक पे जो अमाउंट दिया गया है, वो बैंक जब विड्रॉ करेगी तो वो उसी व्यक्ति को देगी। तो सेल्फ का ये एक अच्छा एडवांटेज है कि हमें पैसा मिल जाता है। बट एक और डिसएडवांटेज ये भी है कि जब कभी भी अगर सेल्फ चेक दूसरे व्यक्ति के हाथ पड़ जाए, तो वो भी हमारे बैंक से पैसा निकाल सकता है, उस कंडीशन में जिसका अकाउंट का पैसा जाने वाला होगा वो जाके सबसे पहले बैंक अकाउंट ब्लॉक करवाता है, अपना बैंक अकाउंट ब्लॉक करवाता है, और अपने पैसे को दूसरी जगह दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाता है। तो आज का RTGS और चेक का डिफरेंस अगर अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं हूँ आप सबका फ्रेंड आगम जैन। थैंक यू सो मच वीडियो के अंत तक बने रहने का।